जैन समुदाय की आस्था के केंद्र समेत शिखर जी और उसके आसपास सभी पर्यटन गतिविधियों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले पर जैन धर्मावलंबी खुश हैं। इस फैसले के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि जैनियों के पवित्र और सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक समेत शिखर जी का मूल स्वरूप बरकरार रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने झारखंड सरकार को समेत शिखर जी में पर्यटन इको टूरिज्म पर तुरंत रोक लगा देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने अपना आदेश जारी कर दिया है और उसमें जो हमारी मूलभूत मांगे थी उसे स्वीकार कर लिया गया है और उनका आदेश जारी हो गया है, ऐसा कहना है जैन समाज का। सरकार के इस फैसले के बाद जैन समाज ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, जैन समाज इस पूरे के पूरे कदम का स्वागत करता है। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह में मौजूद जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में जैन समाज सड़कों पर था। जैन समाज का ये कहना था कि तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने से उस स्थान की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र धर्म और आस्था का केंद्र होता है, इसे लोग आनंद और मौज मस्ती का सेंटर नहीं बनाना चाहिए। समेत शिखर जी से जैनियों के आस्था का नाता बहुत पुराना है। जैन धर्म के तीर्थ स्थल समेत शिखर जी का ये नाम जैनों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर पड़ा था। पारसनाथ जी ने ही जैन समाज को धर्म से जुड़े 3 सिद्धांत दिए थे जिन पर जैन समाज शांति और सत्य के मार्ग पर चलता है। शिखर जी की वंदना 27 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई उतराई के बाद पूरी होती है। समुद्र तल से 520 फीट की ऊंचाई पर मौजूद झारखंड के इस हिमालय पर 60 से ज्यादा जैन मंदिर मौजूद हैं, जिनमें कई मूर्तियां 400 साल पुरानी हैं। पथरीला रास्ता, कठिन नगर और 27 किलोमीटर की यात्रा का आखिरी पड़ाव पारसनाथ की टोंक है, जहां पहुंचने के बाद वंदना को पूरा माना जाता है। अपने पवित्र धार्मिक स्थल की शुचिता बरकरार रखने के लिए आंदोलित जैन समाज अब केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहा है। तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में तब्दील करने के पीएम मोदी के फैसले ने विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का पटाक्षेप कर दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।